जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो आज हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से आने वाली है, जिसे फैंस लोग भी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जो आने वाले टाइम में सभी बड़ी बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। इसके अलावा ये फिल्म आने वाले टाइम में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी करने वाला है, वो भी पूरे देश में। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की आने वाली है कौन कौन सी फिल्म होने वाली है। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक के करते हैं स्टार्ट। पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। तो हमारी इस लिस्ट के फर्स्ट फिल्म होने वाली है लियो, और लियो विजय सर की आने वाली एक ड्रग्स माफिया गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर लोकेश सर डायरेक्ट किया है। और लोकेश सर का डायरेक्शन तो आप सभी को पता ही है कि कितने खतरनाक लेवल का होता है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से कैथी और विक्रम जैसी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर विजय सर के साथ तरिशा मैम भी दिखाई देने वाले हैं, वो भी लीड रोल में, और साथ ही में अर्जुन सराजा और संजू बाबा भी नजर आने वाले हैं, वो भी नेगेटिव रोल में। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म काफी खतरनाक लेवल की ड्रग्स माफिया गैंगस्टर फिल्म होने वाली है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में विक्रम और रोलेक्स सर का कैमरा रोल भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये फिल्म लोकी यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है, जिसे लोकेश सर काफी बड़े लेवल पर बनाया है, क्योंकि ये फिल्म एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिनकी बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में होने वाला है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ये फिल्म शायद 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, विजय सर की ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 19 अक्टूबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के सेकंड फिल्म होने वाली है गोश्त, और गोश्त शिवा राजकुमार की आने वाली है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर एमजी श्रीनिवास सर डायरेक्ट किया है। इसके अलावा ये फिल्म डायरेक्टर श्रीनिवास सर की पहली फिल्म होने वाली है, जिसे पैन इंडिया लेवल पर बनाया गया है। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर शिवा राजकुमार के साथ अनुपम खेर भी दिखाई देने वाले है। और आपको बता दूं, इस फिल्म का ट्रेलर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म एक बेहतरीन लेवल की फिल्म होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म को बनाया गया है 50 करोड़ के बजट में, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फिल्म शायद 100 से 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये फिल्म 100 से 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि उस दिन गोश्त मूवीज के साथ लियो फिल्म भी रिलीज होने वाला है। तो आप लोग 19 अक्टूबर को कौन सी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में जाएंगे, जोर से कमेंट करके बताना। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के थर्ड फिल्म होने वाली है गणपत, और गणपत टाइगर श्रॉफ की आने वाली एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर विकास भल्लाल सर डायरेक्ट किया है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से पहले भी सुपर टट्टी फिल्म बना चुका है। और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ के अलावा कीर्ति शेट्टी और अमिताभ बच्चन भी दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ हीरोपंती से भी काफी ज्यादा एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की पहली पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिसका ट्रेलर और टीजर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन लोगों द्वारा कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया है, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। बट इस फिल्म का हाइप को देखते हुए ये फिल्म मुश्किल से 200 से 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, फिल्म 200 से 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है लियो फिल्म के साथ, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 20 अक्टूबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के फोर्थ फिल्म होने वाली है टाइगर नागेश्वर राव, और टाइगर नागेश्वर राव रवि तेजा की आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट किया है बामशी कृष्णा, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर रवि तेजा जो कि लीड रोल में दिखाई देने वाले है, और ये फिल्म रवि तेजा की पहली पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिसे 50 करोड़ के बजट में बनाया गया है, वो भी पैन इंडियन लेवल के साथ। इसके अलावा इस फिल्म का ट्रेलर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है ये फिल्म 100 से 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये फिल्म लियो, गणपत, गोश्त के साथ 100 से 200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 20 अक्टूबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल के साथ। पुलिस वाले ध्यान दें, काकीनाडा से मद्रास जावे वाली सरकार एक्सप्रेस के
रास्ते में बड़ी चोरी होगी। कौन है रे तू? उसके बाद हमारी इस लिस्ट की 5 फिल्म होने वाली है तेजस, और तेजस एक एयरफोर्स टाइप की फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सर्वेश मेबरा, वो भी काफी बेहतरीन लेवल के साथ। इसके अलावा इस फिल्म में कंगना राउत जो कि एक एयरफोर्स के किरदार में नजर आने वाले है, और इस फिल्म की जो स्टोरी होने वाली है वो एक एयरफोर्स के सोल्जर पर आधारित होने वाली है, जिसे हम लोग 27 अक्टूबर 2023 को देख पाएंगे, वो भी सिर्फ हिंदी भाषाओं के साथ। मैम प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 6 फिल्म होने वाली है टाइगर 3, और टाइगर 3 सलमान खान की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में, क्योंकि ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है जिसके अंदर सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ भी दिखाई देने वाले है, वो भी एक एजेंट के रोल में, और साथ ही में इमरान हाशमी भी नजर आने वाले है, वो भी आतंकवादी के रोल में। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर कबीर पठान के अलावा जूनियर एंटर भी दिखाई देने वाले है, वो भी एक बड़ा कैमरा रोल में, क्योंकि इसी फिल्म से स्टार्ट होने वाली है टू की स्टोरी। इसके अलावा इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर हमें काफी ज्यादा एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसे बनाया जा रहा है लगभग 200 से 250 करोड़ के बजट में, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में? जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 10 नवंबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 7 फिल्म होने वाली है एनिमल, और एनिमल रणबीर कपूर की आने वाली एक मोस्ट वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा सर डायरेक्ट किया है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म पहले भी बना चुका है। और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर काफी ज्यादा वायलेंस करते हुए नजर आने वाला है, और साथ ही में रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर भी दिखाई देने वाला है। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म में बॉबी दयाल जो कि काफी खतरनाक लुक में नजर आने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी वायलेंस फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमें काफी ज्यादा वायलेंस सीन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसे लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के साथ। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फिल्म 600 से 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। आप लोगों को क्या लगता है, फिल्म 600 से 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में? जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 1 दिसंबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 8 फिल्म होने वाली है कैप्टन मिलर, और कैप्टन मिलर धनुष सर की आने वाली एक एक्शन फ्रेड ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अरुण माथेश्वरन, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में, क्योंकि ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसके अंदर धनुष सर के साथ शिवा राजकुमार और संदीप किशन भी दिखाई देने वाले है। और आपको बता दूं, ये फिल्म धनुष सर की पहली पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसका हाइप तमिल से लेकर इंडियन सिनेमा में अच्छा खासा है। इसके अलावा इस फिल्म का टीजर भी अनाउंसमेंट हो चुका है कुछ महीने पहले, जिसे लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को बनाया जा रहा है लगभग 50 से 100 करोड़ के बजट में, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। इसके अलावा इस फिल्म का हाइप को देखते हुए ये फिल्म मेरे हिसाब से 200 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है, वो भी पूरे देश में। तो आप लोगों को क्या लगता है, धनुष सर की ये फिल्म 200 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है? जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 15 दिसंबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 9 फिल्म होने वाली है डंकी, और डंकी शाहरुख खान की आने वाली है कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी सर। और राजकुमार हिरानी सर का डायरेक्शन तो आप सभी को पता ही है कि कितनी कॉमेडी लेवल का होता है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से पीके मुन्ना भाई, एमबीबीएस और 3 इडियट्स जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान के साथ तपसी पन्नू और विक्की कौशल भी दिखाई देने वाले है। इसके अलावा ये फिल्म पीके से भी काफी ज्यादा कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर हमें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिसे बनाया जा रहा है लगभग 100 करोड़ के बजट में, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म का भी टारगेट है बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना। तो आप लोगों को क्या लगता है, शाहरुख खान की ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है? जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा और एक बात बता दूं, ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाला है, जिस दिन हमें सालार फिल्म भी देखने को मिलने वाला है। क्या देख रहे हो शाहरुख? कुछ नहीं सर, बस ये रणबीर कपूर, इन्हें संजू
आमिर एस पीके, संजीव ऑफ कोर्स एस मुन्ना भाई MBBS। वाह सर, कमाल है। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 10 फिल्म होने वाली है शालार, और शालार परवाश की आने वाली एक एक्शन वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर परसन नील सर अभी भी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी KGF से भी काफी बड़े लेवल में, क्योंकि ये फिल्म KGF यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर परवाश के साथ सुरती हसन भी नजर आने वाला है, और साथ ही में जगोती बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी दिखाई देने वाले है, वो भी एक वायलेंस गैंगस्टर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है की इस फिल्म में परवाश के साथ रॉकिंग स्टार यश का कैमरा रोल भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये फिल्म भी एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिसे 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, शाहरुख खान की डंकी फिल्म के सामने परवाश की शालार फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है? जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि 22 दिसंबर को शाहरुख खान की डंकी फिल्म भी रिलीज होने वाला है, तो इधर परवाश की शालार फिल्म भी रिलीज होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इनमें से कौन सी फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाला है? जरूर से कमेंट करके बताना। तो यही थी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की आने वाली 10 सबसे बड़ी पैन इंडियन फिल्में। तो आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा ये भी बताना, इनमें से कौन कौन सी फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है बॉक्स ऑफिस में, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर से कर देना, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।